पार्लियामेंट में जो कल कहा वजीर दाखला ने उसमें कहिए क्या कहा, जो पार्लियामेंट में कहा तरमीम बिल कहा कि मोदी ने वो किया जो पहले हुक्मरानों ने गलती की थी वो मोदी ने दुरुस्त की है 370 को हटाकर। मोदी क्या जीतेगा कश्मीर में, चुप चुप किया उन्होंने, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन इतने लोगों के जज्बातों को ठेस पहुंचा के क्या सही किया? आखिरकार जो जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए गए थे वो किसी फर्द ने वादे नहीं किए थे, वो मुल्क ने वादे किए थे। ये रिश्ता जो बना था ये किसी एक दिल्ली के लीडर का या दिल्ली के सियासी पार्टी का नहीं था, ये एक मुल्क का रिश्ता इस रियासत के साथ बना। उसको जख्म पहुंचाना या उसको कमजोर करना ये अगर मुबारकबादी का कदम है तो ठीक है ना, वो एक दूसरे को मुबारक करते रहें। हकीकत यह है कि चाहे वो लद्दाख हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, आम तौर पे लोग जो हैं 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ खुश नहीं हैं, नाराज हैं। ये करगिल में भी साबित हुआ, ये जब यहां डीडीसी बीडीसी के इलेक्शन हुए ये उस वक्त भी साबित हुआ, अगर ये असेंबली का इलेक्शन कराते उस वक्त भी हम साबित करते कि लोग उस फैसले के साथ नहीं है। सर, डीएमके लीडर ने गौमूत्र के हवाले से कहा कि जिस तरह बीजेपी ने 3 स्टेटों में जीता है गौमूत्र में, कल उसने पार्लियामेंट में बताया इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। क्यों आप कोई ऐसी बात करो जिससे कि किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे? ठीक है ना, आप इस मजहब को नहीं मानते हो, लेकिन मानने वाले तो करोड़ों लोग हैं ना इस मुल्क के, उनका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? क्या हमारे तमिलनाडु के भाई बहन जो हैं वो खुश होते अगर हम में से कोई ऐसा बयान निकालता उनके बारे में? नहीं होना चाहिए। जहां तक मजहब की बात है, मुझे लगता है कि हम सबको दूसरों के मजहब की इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, और हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए जिससे कि किसी और के जज्बात को ठेस पहुंचे। आवाम को